हेलो एवरीवन, माय नेम इज गगन नीमान एंड आई एम अ गिफ्टेड टोजो पैकेजिंग डिज़ाइनर। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरा एक टोजो पैकिंग का ऑर्डर। और इसमें जो खास बात है, जो डिफरेंट बात है, वो है इसमें सूट्स नहीं है, इसमें बहुत ही डिफरेंट कम्बिनेशन बना हुआ है गिफ्टिंग का। तो काफ़ी अच्छा गिफ्टिंग का आइडिया है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ट्यूटोरियल वीडियो नहीं है, ट्यूटोरियल वीडियो जो होते हैं मैं उनके आगे पहले ही आपको बता देती हूँ। तो और भी ट्राई करूंगी आपके साथ ट्यूटोरियल वीडियो शेयर करने की, बट इतना टाइम नहीं होता ट्यूटोरियल वीडियो बनाने के लिए। बट डेफिनेटली कुछ आइडियाज़ शेयर करूंगी आपके साथ आज की वीडियो में। अगर आप भी अपनी वेडिंग में या किसी को आप कुछ भी गिफ्ट करना चाहते हो तो आपको कुछ ना कुछ डेफिनेटली सीखने को मिलेगा। और एंड में मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस वेडिंग इस टोजो पैकिंग की, एक जो मैंने इसको पैक किया है, डेकोरेट किया है, उसकी पिक्चर। तो मेरे पास है ये 5-6 बैग, माही कंपनी के बैग हैं। और इसमें क्या है, इसमें बहुत ही अच्छा स्टफ है जो मुझे बहुत ही अमेजिंग लगा। इसमें एक्चुअली एक तो फुलकारी है और एक बहुत ही प्योर पश्मीना शाल है। और क्योंकि यू नो पश्मीना शाल बहुत ही महंगे आते हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते हैं, तो मेरे पास पश्मीना प्योर शाल है और उनके साथ उन्होंने कम्बिनेशन किया हुआ है एक फुलकारी का। तो क्योंकि हम पंजाब से हैं तो ये कलर कम्बिनेशन बहुत ही अमेजिंग है। और ये जो कम्बिनेशन वैसे किया है फुलकारी का एक शाल के साथ, जेंट्स शाल है, तो बहुत ही अमेजिंग है। और इसके साथ एक हैंकी ऐड किया हुआ है। और जो सबसे साथ में एक प्रिटी सा जो मुझे आइडिया लगा, बहुत ही अच्छा यूनिक आइडिया लगा, वो है इसमें एक साथ में उन्होंने ऐड किया है ड्राई फ्रूट की पोटली उनको पैक करने का। तो पैक करने के लिए मैंने लिए हैं गोल्डन ट्री। तो यहाँ छोटा सा टिप्स है आप लोगों के लिए, अगर आप भी कंफ्यूज हो, आपकी शादी, आपके फ्रेंड की, आपके रिश्तेदार की, तो आपने ट्रीज लेने हैं, तो आप सोच रहे हो कौन सी ट्रीज लें, किसमें हमारा टोजो अच्छा लगेगा, हमारा स्टफ गिफ्ट अच्छे लगेंगे, तो आपको गोल्डन ट्रीज लेनी चाहिए। क्योंकि गोल्डन ट्रीज में आप कुछ भी डिकोर करते हो, अपने गिफ्ट्स रखते हो, उसका आउटकम हमेशा अच्छा रहता है। तो यहाँ से छोटा सा टिप्स है, गोल्डन कलर आपको, गोल्डन ट्रीज आपको लेनी चाहिए, तो वो आपके सभी ड्रेसेस के साथ, सभी गिफ्ट्स के साथ चली जाएंगी। मैंने गोल्डन ट्रीज को ले लिया है और ये मेरी खुद की ट्रीज है और इसके ऊपर बास्केट चार्म का लोगो लगा हुआ है और ट्रीज बिल्कुल परफेक्ट है इस तरह की गिफ्टिंग के लिए। तो अभी मैंने प्लेस करना है ये सारे स्टफ को। तो जहाँ पश्मीना शॉल और जो फुलकारी के साथ मैं रख रही हूँ ड्राई फ्रूट, और भी छोटा सा टिप आप लोगों के लिए, अगर आप कभी भी किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं तो इंस्टेड ऑफ गिविंग चॉकलेट्स आपको ड्राई फ्रूट में स्पेंड करना चाहिए। क्योंकि ड्राई फ्रूट आप कभी भी कंज्यूम कर सकते हो, हेल्दी फूड है, सभी अप्रिशिएट करेंगे, तो आप इस तरह का ड्राई फ्रूट साथ में रख सकते हो। तो ड्राई फ्रूट को अगर आपने काफ़ी रॉ में, होलसेल में आप परचेज करके उसको छोटी छोटी पोटलीज में डाल के आप अपने सूट साड़ीज के साथ भी आप रख सकते हो। अच्छा गिफ्टिंग का एक वे है, इससे आपका गिफ्ट और भी अच्छा लगेगा। अपने बजट के हिसाब से डेफिनेटली आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने इनकी प्लेसमेंट कर दी है। प्लेसमेंट में थोड़ा सा टाइम हमें लगता है क्योंकि जितनी अच्छी प्लेसमेंट हम कर पाएंगे उसके बाद उतना ही अच्छा डिकोर और इसका सारा फ्लावर अरेंजमेंट सब कुछ हम बाद में कर पाते हैं। अगर आप भी ऐसा कुछ और सीखना चाहते हो, करना चाहते हो, तो आप हमारी ऑनलाइन टोजो पैकेजिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें आपको ईच एंड एवरी डिटेल मिलेगा। तो अभी इनको टाइम है पैक करने का, तो पैक करने के लिए, रैप करने के लिए मैंने इनके लिए लिया है एक रानी शेड हॉट कलर पिंक और पीच कलर की नेट, और इसके साथ मैं इनको पैक करूँगी। तो अभी टाइम है आपके साथ इसका जो होल, जो इसका आउटकम बाहर आया है वो कैसा है। तो ये है इसका आउटकम, ये बहुत ही प्रिटी ड्रेस बनी है। तो बहुत ही मैंने डिसेंट सा डिकोर किया है क्योंकि कस्टमर को लाउड डिकोर अच्छा नहीं लगता था, तो बहुत ही प्रिटी सा डिकोर है। तो आप भी जब कभी आपने किसी तरह का भी गिफ्ट करना है तो आप इस तरह का कम्बिनेशन बना सकते हो, ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐड कर सकते हो। तो आगे मैं कोशिश करूँगी आपके लिए और भी ट्यूटोरियल वीडियो डालने के लिए। तो अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरे आइडियाज़, मेरे गिफ्टिंग आइडियाज़ अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना।